नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसान भाइयों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आप तक साझा करते हैं और इसके अलावा तमाम ऐसी जानकारियां देते हैं जिसके माध्यम से कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है, क्योंकि किसान भाइयों के ऊपर ही उम्मीद है और सपने हैं कि आखिर आने वाले वक्त में कृषि को आखिर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती की। जैविक खेती जो कि परंपरागत खेती के बाद जैविक खेती आती है और इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय में आपका उनसे करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। आप रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन में पदस्थ हैं। सर, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश दूरदर्शन। नमस्कार, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले हम यदि किसान भाइयों की हम बात करते हैं सर, तो देखा गया है कि जैविक खेती को लेकर तमाम सवाल रहते हैं। मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से जैविक खेती आखिर क्या है और किसान इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसमें फायदे हासिल कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि जैविक खेती के शब्द से ही अर्थ है कि जिसमें जैव शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब जीवांश होना चाहिए, है ना। ऐसी खेती जिसमें हम जीवांश की मात्रा हम बढ़ाएं और जिससे हमारे खेत का उत्पादन, हमारी ज़मीन सुधर सके, हमारे वायुमंडल सुधर सके, हमारा नेचर सुधर सके, ऐसी खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। हमें जैविक खेती में ना ही हमें कीटनाशक का उपयोग करना है, ना ही हमें खरपतवार नाशक का उपयोग करना है, ना ही हमें फर्टिलाइज़र उपयोग करना है और ऐसे बीज नहीं उपयोग करना है जो जैविक खेती को सपोर्ट नहीं करते हैं ना। तो जैविक खेती कुल मिला के जीवांश पदार्थों का, हमें जानवर, जिसमें हमारा जानवर भी शामिल होंगे, ऐसे सम्मिलित खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा यदि आधुनिक तकनीक की हम बात कर लेते हैं तो आखिर आधुनिक तकनीक या उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसके फायदे हासिल कर सकते हैं, और यदि आर्थिक रूप से हम बात करें तो किसान भाई कैसे आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हो सकती है। देखिए किसान भाई, हमारी जो परंपरागत जो खेती किसान भाई सालों से कर रहे हैं, हमारे 100-200 साल 300 साल हमारी जो खेती का जो हमारा उद्गम हुआ है, कम से कम हजारों साल से हम लोग खेती कर रहे हैं, हमारे किसान भाई कर रहे हैं। परंपरागत खेती का ही एक परिवर्तित रूप हम जैविक खेती हम जिसे बोल रहे हैं, हम कई सालों से ये खेती करते आए हैं, लेकिन कुछ वर्षों से हम 50-60 सालों से पीछे जाएंगे तो इसमें हमारे आपके खरपतवार नाशक जी, आपके फर्टिलाइज़र और आपके कीटनाशक, फफूंद नाशक, इसका हम कंटिन्यूस 50-60 साल से हम इसका खेतों में इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। इसको कम करके हमारे किसान भाई इन जो जैव पदार्थों का या जैविक कीटनाशकों का या जैविक खरपतवार नाशकों का हम इसको उपयोग करके हमारे जैविक खेती को हम उन्नत तकनीक करके हमारी लागत को भी कम कर सकते हैं। सर, पोषक प्रबंधन की बात भी मैं समझना चाहूँगा कि आखिर पोषक प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, क्या इसके प्रकार रहते हैं, क्या इसकी रूपरेखा रहती है। जी देखिए, अभी तक तो हम समन्वित पोषक प्रबंधन की बात करते थे कि हम इसमें हम यूरिया भी डालें, DAP भी डालें और पोटाश भी डालें। चूँकि हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे, स्रोत नहीं थे, तो हम इस पर निर्भर थे। लेकिन आज की परिस्थिति में हम देखें तो हमारे पास खाद के रूप में हमारे जैविक खाद हैं, है ना, आपके सिटी कंपोस्ट है, आपके वर्मी कंपोस्ट है और आपके कुछ ऐसे कंपनियों के कुछ ऐसे, हम जैसे हम बात करेंगे कि समुद्र घास, है ना, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी बनाने लगी हैं। हमारे पास पहले ये नई थी तकनीक, हमारे पास नई तकनीक आ गई है। अभी यूनिवर्सिटी जैसे जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर बायोफर्टिसॉल है, ये बन रहा है, तो हमारे पास चीज़ें अब अवेलेबल हैं, हमारे पास साधन हैं, हमारी तकनीकें इतनी विकसित हो गई हैं। ट्राइकोडर्मा है ना, फफूंद नाशक में सुडोमोनास है, आपके राइजोबियम कल्चर हैं, इस तरह के तकनीक हमारी हमने विकसित कर ली है जो जैविक, जैव आधारित या जीवांश आधारित खेती हम करने के लिए सक्षम हो पाए हैं। लेकिन क्या ये तमाम तकनीकें किसान भाइयों तक पहुंच सकती हैं और आसानी से उपलब्धता होती है? जी, क्योंकि देखा गया है किसान भाई कई बार परेशान इसलिए भी होते हैं क्योंकि तमाम जानकारियां उन तक नहीं रहती हैं। जी देखिए, क्या है, अभी तक किसान के पास ऑप्शन नहीं थे, है ना। किसान ने जैसे गेहूं लगा रहा है, धान लगा रहा है, उसने यूरिया की बोरी ली, दो बोरी ली, एक एकड़ में तीन बोरी ली, एक दो बोरी ली, वो उसने डाली, वो आसान थी, आसान तरीका भी था डालने का,
लेकिन जैविक के जो तरीके हैं थोड़े से ऐसा लगता है जटिल हैं, जब हम उसको प्रैक्टिस में आ जाएंगे, हमारे पास जीवामृत हम बना के उसको कंटिन्यूस हम 21 दिन में जीवामृत का स्प्रे करें या हम पानी में उसको दें, तो इससे हमारे माइक्रोबिज्म बढ़ेंगे और हमारे जो पोषक तत्व हमारे पौधों को मिलेंगे और हमारी ग्रोथ उतनी ही मिलेगी। लोगों की ऐसी धारणा है, किसान भाइयों को एक बात मैं समझा दूं कि ऐसी धारणा है कि हम जैविक खाद दे के हम उस स्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे, ये ऐसी धारणा है। लेकिन पहले साल में थोड़ा सा कम उत्पादन आएगा, ये भी नहीं, अगर मान लो हम प्रैक्टिसेस हम ऐसे अपनाएं, हम जैविक खाद प्रॉपर उसमें डालें और तो हम उस लेवल तक पहले साल में ही पहुंच सकते हैं। हम उसमें जैविक खाद डालें, गोबर की सड़ी हुई खाद डालें, अब जीवामृत डालें, बीज अमृत से उसको बीज उपचार करें, ये जो हमारी तकनीक, हमारे जैविक की जो तकनीक है उसको आप पहले साल में भी आप उसको पूरा का पूरा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर जीवा अमृत की बात की है, समझना चाहेंगे किसान भाई आखिर जीवा अमृत बनाने की विधि क्या है? देखिए, जीवा अमृत बनाने के लिए बहुत साधारण तरीका है। किसान भाइयों को 200 लीटर पानी में जीवामृत एक ड्रम आप ले लें, उसमें तांबे का या किसी उसका धातु का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का ड्रम हो उसको आप ले लें। उसमें 200 लीटर आपको जीवामृत बनाने के लिए आपको 5 किलो गुड़ चाहिए, 5 किलो गौमूत्र चाहिए और आपको पीपल या बरगद के पेड़ की मिट्टी, नीचे की मिट्टी करीब 2 किलो मिट्टी चाहिए उसको आप लेके, और गुड़ आपको 3 किलो से 5 किलो आपको गुड़ होना चाहिए और बेसन आप उसमें मिला लें, ये सब चीज़ को मिला लें और उसको आप 200 लीटर पानी में मिला के उसको 7 दिन तक उसको छोड़ दीजिए और उसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को घुमाते रहिए, सुबह दोपहर शाम को 3 बार उसको घुमाना है और 7 दिन के अंदर आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। जीवामृत को आप उसको फर्टिगेशन टैंक के माध्यम से भी दे सकते हैं या आप वेंचुरी लगा के उसको दे सकते हैं, या आपके पास अगर मान लो स्प्रिंकल इरिगेशन की सुविधा है तो उसमें भी आप जीवामृत चला सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में भी चला सकते हैं। ये जो तरीके हैं आप जीवामृत बना के आप 20 से 21 दिन में जब सिंचाई कर रहे हो, जैसे अभी रबी का मौसम है तो सिंचाई कर रहे हो, तो 20-21 दिन में हर बार आप जब भी पानी चलाएं तो जीवामृत उसमें चला दें। इसके अलावा आप पोषक प्रबंधन की बात करेंगे तो सीवीड एक्सट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं समुद्र घास, उसको आप बोनी के कम से कम 20-21 दिन बाद जब पौधों की पैदावार जब बढ़वार होती है, ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो उस टाइम में आप समुद्र घास, बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी हैं लेकिन किसी कंपनी विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहता है ना, कोई भी अच्छी कंपनी का आप समुद्र घास जो होता है सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है उसको आप 10 किलो 1 एकड़ में आप उसको डाल दीजिए और एक स्प्रे आप जो बायोफर्टिसोल आ रहा है जबलपुर यूनिवर्सिटी का जो उनका रिसर्च प्रोडक्ट है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जी। अब पोषक प्रबंधन आप ये प्रॉपर करेंगे तो आपको उत्पादन में कमी नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ। बिल्कुल सर, उत्पादन में कमी नहीं आएगी और कोशिश भी यही रहनी चाहिए कि उत्पादन में कमी ना आए और लगातार ऐसी जानकारी हम आप तक साझा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने पोषक प्रबंधन की बात करी थी। एक बार फिर अशोक जी आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन के इस मंच पर। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये तो हमने पोषक प्रबंधन की बात कर ली, लेकिन यदि हम बीमारियों की बात करें तो जैविक बीमारियों से आखिर कैसे बचा जा सकता है? देखिए, बीमारी मतलब होता है आपके दो तरीके होते हैं, आपका भूमि जनित बीमारी होती है और एक पौधे के ऊपर लगने वाली बीमारी होती है। दोनों ही बीमारियों में उसके लिए हमारे पास जैविक के तरीके हैं। आपको ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, ये दो ऐसे हैं आपके जैविक कंट्रोल करने के लिए आपके डेवलप किए हुए प्रोडक्ट हैं। और ये सब तकनीक हमारी एग्रीकल्चर की तकनीक है। इसको आप ट्राइकोडर्मा को आप बीज उपचार करेंगे जब, तो कम से कम 5 ग्राम, अगर मान लो पाउडर फॉर्म है तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, जैसे अभी किसान भाई बोनी करना चाह रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उसको उपचारित करके उसको छांव में सुखा लीजिए। एक दिन सुखाने के बाद उसको इसको आप बो दीजिए। और अगर मान लो इसको भूमि में आप डालना चाहते हैं तो उसकी ट्राइकोडर्मा की आपको 2 से 3 किलो आप इसको गोबर की खाद में, अच्छी सड़ी गोबर की खाद में इसको 50 किलो गोबर की खाद में इसको 2 दिन तक इसको रख दीजिए छांव में। जब इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी चालू हो जाएगी, जीवांश पदार्थ इसमें बढ़ जाएंगे, तो उस 50 किलो का गोबर को आप 1 एकड़ में इसको भूमि में इसको मिला दीजिए। तो हमारे जितने भी फफूंद जनक जो जैसे आपका ट्राइकोडर्मा ब्रेडी है ना, ये इसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही कारगर तरीका है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं ट्राइकोडर्मा के। और दूसरा हमारा एक स्यूडोमोनास जी, ये भी एक एंटीबायोटिक का काम करता है। स्यूडोमोनास को भी आप सॉइल में भी अप्लीकेशन कर सकते हैं, भूमि सुधारक के रूप में भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ज़मीन में पोषक तत्व रहेंगे पहले से, और आपके फफूंद नाशक जो पहले से रहेंगे, तो हमारे रोग इसमें आएगा ही नहीं हमारे पौधों में। हम देखते हैं किसान भाई धान की खेती में कम से कम रोग के लिए 5 से 6 स्प्रे किसान भाई हमारे कर रहे हैं। अगर मान लो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का आप प्रयोग बोनी के समय कर लें और एक स्प्रे आप उसमें इनिशियल स्टेज में दे दें, प्रारंभिक अवस्था में दे दें, तो आप ये रोगों से आप बच पाएंगे और आपको जरूरत ही नहीं लगेगी इसमें कोई भी फफूंद नाशक डालने की। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल सर यही सामने आ रहा है, क्योंकि किसान भाइयों की हम बात कर लें तो देखा जाता है कि मेहनत तो उनके द्वारा की जाती है, लेकिन यदि फसलें खराब होती हैं, उत्पादन नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। अब ऐसे में यदि हम जैविक कीटनाशक की बात कर लें तो क्या इस पर प्रकाश डालेंगे आप? जी देखिए, जैविक कीटनाशक पहले हमारे पास, वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारी तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। अब किसान भाई के पास ऑप्शन है, ऐसी तकनीक आ गई हैं। कीटनाशक में आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, बेवेरिया बेसियाना का स्टेन आप यूज़ कर सकते हैं, आप वर्टिसिलियम स्प्रे कर सकते हैं। ये जो है अलग अलग तरीके, जैसे आप इल्ली की बात करें तो इल्ली में अगर मान लो आपको किसी भी आपकी फसल में, जैसे चने में हम बात करेंगे, चने में इल्ली लग रही है। अभी हम देखेंगे कि जैसे अभी गेहूं का सीज़न अभी आ रहा है, तो गेहूं में अभी से लोग माहो लगने लगे, जड़ माहो की समस्या अभी जैसे बोनी चालू हो गई तो जड़ माहो की समस्या चालू हो गई। तो ऐसे में किसान भाई वर्टिसिलियम जैविक तरीका है, वर्टिसिलियम का आप या तो पानी में मिला के उसको दे दें, या उसको गेहूं के जैसे अभी छोटी अवस्था है ऐसे में आप वर्टिसिलियम का स्प्रे कर देंगे तो उसमें माहो आपके आएंगे नहीं, ये गारंटेड है। वर्टिसिलियम अगर मान लो स्प्रे कर देते, मेटराइजियम भी है एक जैविक कीटनाशक के रूप में, आप मेटराइजियम हो गया, ये अभी कंसोर्टियम में भी रूप में आने लगा है। आपका मेटराइजियम हो गया, वर्टिसिलियम हो गया जी, और आपका बेवरिया बेस, यानी ये कंसोर्टियम में भी आने लगा है। कुछ कंपनियां भी इसका लार्ज स्केल पे इसका उत्पादन कर रही हैं, और ये जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वर्टिसिलियम बना रही है। इसको आप वहाँ से किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से इसको लेके किसान भाई इसको यूज़ करेंगे, अभी से एक दो बार स्प्रे कर देंगे तो ये माहो की समस्या किसान को नहीं आएगी। और अगर मान लो चने में भी, अगर मान लो किसी कारण से अगर आपके इल्ली का अटक हुआ है, तो अगर मान लो आप बेवरिया बेसियाना स्प्रे कर देते, एक स्प्रे भी कर देंगे तो उसमें पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा एक आपका तरीका एनपीवी वायरस है, एनपीवी वायरस भी किसान आराम से इसको मिल जाता है, बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी है, यूनिवर्सिटी इसको डेवलप कर रही हैं,
वहाँ से लेके आप एक स्प्रे कर देंगे। अगर मान लो आपको 1x1 मीटर के इसमें जो ATL लेवल होता है उसमें अगर मान लो आपको इलिया का प्रकोप दिख रहा है तो उसमें आप जैविक कीटनाशक डाल देंगे तो आपको निश्चित ही इसका कंट्रोल मिलेगा। और अगर नीम का स्प्रे हो सकता है, नीम ऑयल भी आपका 300 PPM में आता है, 1000 PPM में आता है, 3000 PPM में भी आता है, इसका आप प्रिकॉशनली स्प्रे कर देंगे तो आपके कीड़ों का प्रकोप होगा नहीं। बिल्कुल, लेकिन सर मैं ये भी समझना चाहूँगा, यदि हम किसान भाइयों के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो फसलों के बेहतर उपयोग के लिए या बेहतर उत्पादकता के लिए एक तो दो महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं। सबसे पहले उपयुक्त जलवायु और मिट्टी का चुनाव, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैविक की हम जहाँ तक की बात करेंगे तो जैविक खेती के लिए आपकी हमारे जो मध्य प्रदेश का जो वायुमंडल है और जो आपका एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की, और हम भारत की भी बात करें तो जैविक खेती हम संपूर्ण भारत में भी कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश की जो जितनी भी भूमि के प्रकार हैं, आपकी अपनी गहरी काली ज़मीन है, किसी की मध्यम काली ज़मीन है, किसी की लाइट काली ज़मीन है, और आपकी पीली मिट्टी है या लाल मिट्टी, हर तरह की ज़मीन में, हर तरह की जलवायु में आप जैविक खेती कर सकते हैं। आपका कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हम बात करें तो जैविक खेती कहीं भी किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में की जा सकती है। तो कोई विशेष जलवायु की आवश्यकता जैविक खेती के लिए नहीं की जाती? देखिए, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ये इसका असर करता है। जैसे हम बात करेंगे मार्च महीने से लेकर जून महीने तक, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो जीवांश की जो एक्टिविटी है, ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो मार्च से लेकर जून तक के जो आपके जैविक के तरीके हैं इसमें कम असर देखेगा। इसके अलावा अगर मान लो बाकी आपके 9 महीने में हम पूरी तरह से अच्छे तरीके से जैविक खेती कर सकते हैं। और सॉयल में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप हमेशा अगर मान लो जैविक खेती करते रहें और तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मरते नहीं हैं। और जैसे हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूस केमिकल का यूज़ कर रहे हैं जिन खेतों में इसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और हमारी जो ज़मीन जो कड़ी हो रही है उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम कंटिन्यूस हम 25 से 30 साल से हम खाद का उपयोग कर रहे हैं और कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, खरपतवार नाशक का उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारी ज़मीन के जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक वेस्ट डिकम्पोजर की जैसे बात निकल रही है, जैसे हमारे अभी किसान भाई धान काटा है, कई बार हार्वेस्टर से धान काटते हैं, तो ये पराली जलाने का प्रबंध, ये प्रचलन है कि हमारे यहाँ पराली लोग जला देते हैं, तो इस पराली किसान भाई पराली ना जलाएं। इसके लिए अभी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। किसान भाई अगर मान लो इसमें एक मशीन अटैचमेंट आता है जिससे घास जो आपकी जो पराली रहती है उसको कट जाती है, जो आपका जो धान का जो भी भूसा है वो नीचे फैल जाएगा, उसके ऊपर आप जब बोनी करने के टाइम में आप जब भी सिंचाई करें तो वेस्ट डिकम्पोजर आता है एक गाज़ियाबाद, बहुत सस्ता है। इसकी जैविक की हम बात करते हैं तो हम सस्ती खेती की बात करते हैं, तो किसान भाई सस्ती खेती की बात हमें करनी चाहिए। तो 20 रुपये का आता है वेस्ट डिकम्पोजर, हमारी जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बायोडाइजेस्टर के नाम से भी बनाती है, तो उसको आप इस खेती में उपयोग करें। आप उसको जब सिंचाई करें तो उसको वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाए कि उसका भी एक तरीका है, अगर आप समय है तो मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल, वेस्ट डिकम्पोजर बना के उसको आप एक बार सिंचाई के पानी में मिला के डाल दें या उसको स्प्रे कर दें तो आपके। चलिए बिल्कुल, लेकिन सर सवाल यही सामने आ रहा है कि तमाम जानकारी आपने साझा करी है और किसान भाइयों तक वो जानकारी पहुंचे और बेहतर उसका उपयोग किया जा सके, आपने वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हमने तमाम जानकारी किसान भाइयों को दी है, वो सारी जानकारियां जिसके माध्यम से आप आने वाले वक्त में अपने कृषि क्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं। और आइए अंत में नजर डालेंगे खेती से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। गेहूं की उन्नत खेती, उद्यानिकी में सामयिक कार्य, चने की इल्ली से रोकथाम, पावर टिलर चलित निदाई गुड़ाई यंत्र, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। गेहूं की उन्नत खेती, गेहूं की बुआई के लिए तापमान अनुकूल है, इसलिए पर्याप्त नमी होने पर गेहूं की बुआई करें। सुनिश्चित अवस्था के लिए अनुशंसित किस्में MP 1203, MP 3382, GW 322, GW 366, HI 1544,
HI 8759, MPO 1215, प्रतिबंधित सिंचाई व्यवस्था के लिए अनुशंसित किस्में MP 3288, MP 3173, MP 1202, गैर सिंचित स्थिति के लिए अनुशंसित किस्में JWS 17, MP 3020, HI 8627, देर से बोई गई स्थिति के लिए अनुशंसित किस्में लोक ZW 4010, ZW 1202, किसान भाई बीज जनित रोगों की रोकथाम हेतु बीजोपचार आवश्यक है। बोने के पूर्व बीज को कार्बोक्सिन विटावैक्स 75 WUP या बेनोमिल बैनलेट 50 WUP, 1.5, 2.5 या थाइरम 2.5 से लेकर 3.0 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इसके पश्चात दीमक के नियंत्रण हेतु बीज को कीटनाशक दवा क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 400 मिलीलीटर प्रति क्विंटल बीज के हिसाब से बीजोपचार करें। बुआई पूर्व बीज को एजेटोबैक्टर 5.10 ग्राम एवं PSB कल्चर 10.20 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करें। उद्यानिकी में सामयिक कार्य, बैंगन की फसल में तना एवं फल छेदक को नियंत्रित करने के लिए नोवालुरॉन 10 मिलीलीटर प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। भिंडी की फसल में यदि पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ रहा हो तो ये पीत शिराओं मौजिक रोग के लक्षण हो सकते हैं, अतः ऐसे पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें तथा संक्रमण के प्रारंभिक चरण में रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए इमेडॉक क्लोरोप्रीड 5.7 मिलीलीटर प्रति पंप का छिड़काव करें। वर्तमान मौसम की स्थिति में मिर्च की फसल में वायरस जनित रोगों को फैलने की संभावना बढ़ रही है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे फसल की सतत निगरानी करते रहें। यदि संक्रमण दिखाई देता है तो ऐसे पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें तथा संक्रमण के प्रारंभिक चरण में रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए इमेडाइक्लोरोप्रीड 5.7 मिलीलीटर प्रति पंप का छिड़काव करें। चने की इल्ली से रोकथाम, चने की इल्ली की रोकथाम हेतु टी आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियां व चने की इल्ली के नर शलभ को आकर्षित कर पकड़ने हेतु 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। चने के ऊपरी तने की कोपलों की हल्की तुड़ाई करें जिससे अधिक शाखाएं निकल सकें। पावर ट्रिलर चलित निदाई गुड़ाई यंत्र किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इस यंत्र से चना, अरहर, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों में निदाई गुड़ाई करना बेहद आसान हो जाता है। 6 से 8 अश्व शक्ति का यह पावर ट्रिलर मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतराल वाली फसलों की निदाई गुड़ाई आसानी से करता है। कम समय में अधिक काम करने वाले इस यंत्र में खिंचाव प्रणाली के साथ मुख्य ढांचा लगा होता है जिससे हत्ता, प्रचालन, पहिया एवं स्वीप आदि लगाए गए हैं, जिसके कारण इसे चलाना बहुत ही सरल हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय रबी फसलों की बुआई करें व फसलों व सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सरसों की फसल में इस समय रस चूसक चितकबरे कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइथीरीफॉस या डायमिथियो 800 मिली दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। संभावित मौसम गेहूं की बुआई हेतु अनुकूल है, अतः गेहूं की उन्नत किस्में जैसे GW 322, 366, 273, RVW 4106, HD 2338 व MP 1203 आदि का चयन करें व संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें व बोनी पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। फूलगोभी एवं पत्ता गोभी में इस समय डायमंड बैक मोथ कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु BT के 1 किलोग्राम या इमोमेक्टीन बेंजोइट 220 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। फिलहाल समाचारों में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो ये आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ खबरें देखी और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपने कोई सुझाव है या अपनी कोई जानकारी आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारा पता आप नोट कर लीजिए। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, हमारा पिन है 4620013।